तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे बाइक का ये जो हॉर्न है, ठीक है, ये जो है वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे की ऑन है, फिर भी जो है वो ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं स्टेप वाइज स्टेप आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसको जो है वो ठीक करने हैं। जो स्क्रू एडजस्टिंग वाला जो वीडियो था वो मैं पहले ही बना चुका हूँ। अगर हॉर्न में आपकी स्क्रू एडजस्ट नहीं है तो आप जो है वो उस वाले वीडियो को देख सकते हैं, और इस वाले हॉर्न को मैं किस तरह से बनाता हूँ वो आगे आपको पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले जो है वो हॉर्न को बाइक से हटाते हैं। दोस्तों, इसके लिए सिर्फ आपके पास जो है वो 10 नंबर का एक ओपन होना चाहिए। इसे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दोस्तों, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है बाइक की, उसे घर पे ही ठीक करनी चाहिए। ये सजेस्ट करूंगा कि ये छोटे प्रॉब्लम जो है वो आप घर पे ही खुद से ठीक करें। इससे आपके पैसे और समय दोनों की जो है वो बचत होगी। इसके लिए देखिए, सबसे पहले जो है वो चेक करने का तरीका है कि आप जो है वो हॉर्न को इस तरह से प्रेस कर करके और ये जो स्क्रू है इसको एडजस्ट करें, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में बनाया था, लेकिन वो ट्रिक इसमें काम नहीं कर रहा है। यही हॉर्न था, उस समय ठीक हो गया था और अभी जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं आपको दूसरे ढंग से बताता हूँ। दोस्तों, हॉर्न को बजने के लिए इसमें करंट भी आना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले करंट की जांच कर लेते हैं कि हमारे हॉर्न तक करंट जो है वो पहुंच रही है या फिर नहीं। ये हमने जो है वो कनेक्शन हटा दिया। दोस्तों, आपको जो है वो दोनों ये जो कनेक्शन आया हुआ है उसमें एक एक वायर हमने डाल दिया है, और अब मैं जो है वो एलईडी बल्ब के सहारे जो है वो चेक करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमारा प्राथमिकता ये है कि हम चेक करते हैं कि हमारा हॉर्न जो है वो सही में ठीक है या फिर इसे जो है वो बदलना होगा। चूंकि दुकान पे अगर ले जाते हैं तो मिस्त्री इतना दिमाग लगाते नहीं है, वो लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि हॉर्न ही चेंज करना होगा। तो सबसे पहले जो है वो बैटरी से दो तार लेनी है, एक पॉजिटिव की और एक निगेटिव की। जैसे देख रहे, रेड वाला पॉजिटिव है और हमारे हॉर्न में एक मार्किंग किया हुआ रहता है। दोस्तों, पॉजिटिव और निगेटिव में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने हैं। आपको जो है वो हॉर्न में मार्किंग किया हुआ रहता है। आप देखेंगे, एक वाले में F लिखा हुआ रहता है और दूसरे वाले में 7 लिखा हुआ रहता है। ये जो 7 वाला है उसमें जो है वो हम लोग पॉजिटिव वायर को जोड़ते हैं, और जो हमारा F लिखा हुआ है उसमें जो है वो नेगेटिव वाले को जोड़ते हैं। तो देखिए, मैं कनेक्शन आपको करके दिखाता हूँ। ये जो छोटे मोटे काम है वो घर पे ही किया कीजिए, इससे पैसे और समय दोनों की बर्बादी से बच जाएंगे आप। तो ये देखिए, ये हमारा हॉर्न में कोई भी दिक्कत नहीं है, और इसमें स्विच वगैरह दबाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो स्विच भी ऑफ है, और मैंने जो है वो यहाँ पे इस स्विच को भी नहीं दबाया है, और वहां से पावर भी ऑफ है, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट बैटरी से ही कनेक्शन लिया है, इसको जो है वो स्विच वगैरह की जरूरत नहीं है। तो हमारा हॉर्न सही है। अब चलिए हम लोग दूसरे कनेक्शन देख लेते हैं। और एक मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो ये स्क्रू है, आप जो है वो इसको भी एडजस्ट करके चेक कर सकते हैं, और जहां पे आपको अच्छा लगे वहां पे आप जो है वो इसे टाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रू ही जो है वो इसकी ट्यूनिंग डिसाइड करता है। पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको इसी की ट्यूनिंग बताई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने हॉर्न की रिपेयरिंग पूरी कर ली है। अब ये जो हमारा स्विच है, यहाँ से प्रॉब्लम कर रहा था, इसको भी जो है वो थोड़े से रिपेयरिंग की जरूरत है। चलिए हम लोग इसकी भी रिपेयरिंग कर लेते हैं। नीचे में देखेंगे तो आपको जो है वो स्क्रू दिख जाएंगे। चलिए मैं इसे खोल करके आपको दिखाता हूँ। दो स्क्रू यहाँ पर लगे हुए रहते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, दोनों स्क्रू को आपको जो है वो ढीला करना है, और उसके बाद जो हमारा ये जो हैंडल बार रहता है, ये जो इसे खिसकाना है, और इसे भी जो है वो हमारा स्विच कंसोल है, इसे पूरी तरीके से इस तरह से खिसका लेना है, और अब इसकी हम रिपेयरिंग करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, आपको बस अपने जो स्विचेज हैं उनको थोड़ी सी मरम्मत करके उसमें जो है वो ऑयल वगैरह डालना रहता है, क्योंकि बाइक वगैरह हम लोग वॉश करते हैं या फिर बारिश में जब पानी इसके अंदर चली जाती है तो ये जो है वो जाम हो जाता है, और ये
ढंग से काम नहीं करता है। आप देख रहे हैं मैं तेल डाल रहा हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा स्विच जो है वो ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। अभी भी थोड़ा सा जो है वो टाइट ही चल रहा है ये। आप धीरे धीरे जो है वो ये देख लीजिए, ये धीरे धीरे जो है वो फ्री होगा और हमारा जो है वो स्विच अच्छे से काम करने लगेगा।